चंद्रायन थ्री इज वेरी मच इन न्यूज नॉट ओनली चंद्रायन बट उसके अलावा रशियन प्रोप भी काफी न्यूज में था लूना ट्वेंटी फाइव की बात करते हैं इसके अलावा लूनार मिशन बाय द वेरी मच इन न्यूज बट वाई एवरी कंट्री इज सो मच इंटरेस्टेड विद एंड एस्पेश द साउथ पोल ऑफ द मून अगर बात की जाए ये जो आपके सामने फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट मिशन यहाँ पे है यूएस का है यू कैन सी द रशियन मिशन ओवर ईयर चाइना का मिशन है इंडियन मिशन की बात करें तो आपको यहां पर साउथ पोल इंडियन फ्लैग दिखाई देगा बिकॉज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की चंद्रायन वन के साथ उसके बाद यूएस ने भी इंटरेस्ट दिखाया रशिया ने रिसेंटली ट्राई किया बट वो फेल हो गए चाइना इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट बट वाई एवरी कंट्री सो मच इंटरेस्टेड विद द साउथ पोल ऑफ मून हम उसके बारे में आज के में डिस्कस करेंगे इसे नॉर्मली डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है पोल का एरिया है यहाँ पे नासा के रिसर्च के हिसाब से सनरेज बहुत कम दिखाई देते हैं स्पेशली यहाँ पे जो क्रेटर्स है यहाँ पे बिलियन ईयर में कभी सनरेज ही नहीं गए ऐसा नासा कहती है तो इसी को एक्सप्लोर करना है नासा की अगर भाषा में बात की जाए तो उनका यह कहना है कि इट्स अ फुलस एंड एंट्रू इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश हमें करनी है और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश अगर किसी ने की तो वो इंडिया है चंद्रयान वन में हमने जो जिसे क्रैश करवाया था वो इस क्रेटर पे क्रैश करवाया था तो पहली बार अगर किसी ने कोशिश की तो इंडिया ने की चंद्रयान टू के टाइम पे भी हम इसी साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले थे पर वो मिस हो गया और चंद्रयान थ्री में हम उसे सक्सेसफुली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया ने भी ट्राई किया वो फेल हो गए क्योंकि एग्जैक्टली exactly इस डार्क साइड पे क्या है किस तरीके का एनवामेंट है इससे ही तो एक्सप्लोर करना है पर इसे एक्सप्लोर क्यों करना है इससे क्या फायदा होगा तो चलो इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। फायदा इसका यह है दोस्तों कि यहां पे जो टेम्परेचर है माइनस टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस तक यहां पे टेम्परेचर जाता है सो so, एटमॉस्फेयर तो नहीं है बट यहां पे वाटर कंटेंट हो सकता है और जब फ्यूचर में जब फ्यूचर में हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे यहाँ पे और रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो वॉटर रिक्वायरमेंट यही से पूरी हो सकती है तो जैसे पे कहा जाता है कि और जो नीड्स है वो यही से पूरी हो सकती है कल अगर हम मून के ऊपर और कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजें पूरी करने के लिए वाटर की खोज बहुत जरूरी है और कॉन्क्रीट तरीके से तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे, इसमें आइस का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा ये ऑलरेडी नासा के रिसर्च के अंदर कई बार प्रूव हो चुका है इवन इंडिया ने जब चंद्रयान वन का इंपैक्ट करवाया था तब भी ये चीजें क्लियरली प्रूव हो गई थी तो चाहे रशिया का लॉन्चिंग हो चाहे चाइना का लॉन्चिंग हो इंडिया का हो या फिर यूएस का हो ये सारे लॉन्चिंग ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है कुछ लोग थे जो रशियन सैटेलाइट का फेलियर रशियन प्रोप के फेलियर के बाद बड़े खुश हो गए थे पर ये किसी भी कंट्री का हो ये फाइनली रिसर्च के एंगल में ह्यूमैनिटी के एंगल में और हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के एंगल में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया का जो लैंडिंग यहां पे होने वाला है वो सॉफ्टली हो जाए अगेन ये क्रेटर का नाम याद रखिएगा यहीं पे हमारा चंद्रयान वन का हमने डिलीबरेट क्रैश करवाया था के, ये रिसेंट इमेज है जो चंद्रयान थ्री से हमें मिली हुई है चांद की जिससे भी थोड़ी बहुत चीजें सिग्निफिकेंटली हमें पता चलती है तो उम्मीद करते हैं कि इन इमेजेस जिस ब्यूटीफुल तरीके से हमारे चंद्रयान थ्री ने कैप्चर की उसी ब्यूटीफुल तरीके से इसका सॉफ्ट लैंडिंग हो और, और भी बहुत सारा डेटा और भी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें चांद से मिल सके स्पेशली फ्रॉम द साउथ पोल साउथ पोल इज अ फुल ऑफ मिस्ट्री और ऊपर उस मिस्ट्री को सबसे पहले ब्रेक करने का दस्तक देने का काम हमारा इसरो कर रहा है सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड होपिंग फॉर बेटर लैंडिंग ऑफ चंद्रयान एन थ्री यस गाइस इसके अलावा हमारा बैंकिंग वाला आपके लिए ला रहा है बैंक एग्जाम्स गिव अवे और एक गिव अवे आएगा थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर को तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और इसे लाइक कर दीजिए बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको गिव अवे की इन्फॉर्मेशन मिले सो विल सी यू गाइज तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर